अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडिक्वेट फ्रॉम इकबाल एडिशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू गेट डिसमिस्ड कंजुगल राइट्स केस। हस्बैंड ने बीवी के खिलाफ हक के जौजियत का कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया है और बीवी जो है वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है किसी भी वजह से, कोई भी रीजंस हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड इस तरीके से बिहेव करते हैं मजबूर हो जाती है या फिर कोई उसकी शर्त शरायत है, किसी भी वजह से उसको खर्चा नहीं देता, ज्यादती करता है या कोई और भी रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से बीवी अपने मेके चली जाती है, अपने वालदेन के घर चली जाती है। अब पीछे से हस्बैंड जो है वो चाहता है कि मेरे घर है, मेरे हकूक अदा करें, वो नहीं आ रही, तो उसने जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया, हक के जोजियत का केस फाइल कर दिया। उससे कोशिश की गया लेने के लिए बड़ों के थ्रू या खुद पर्सनली तौर पर गया लाने के लिए, मगर बीवी आने को तैयार नहीं थी। अब उसके बाद उसके पास ये ऑप्शन बना कि उसने जाके हक के जोजियत का कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर दिया कि ये मेरी बीवी है, मेरे घर आके रहे और मेरे हकूक अदा करे। अब शोहर ने वो केस फाइल किया। अब चूंकि बीवी किसी भी वजह से चली गई थी, उसको मजबूर किया गया था, खुशी से चली गई थी, तो वो अब ये चाहते हैं कि मेरी बीवी वापस आ जाए। अब जब बीवी चली गई, उसने कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर दिया, तो उस सूरत में अब बीवी चूंकि उस सूरत में घर छोड़ के गई थी क्योंकि हस्बैंड की ज्यादती की वजह से, हस्बैंड खर्चा नहीं देता था, हस्बैंड ने अपना जो उसका बीवी का डावर था, हक बैर था, वो उसने डिमांड की, वो देने को तैयार नहीं। अब जब बीवी हक बैर ना देने की वजह से घर से जाती है, खर्चा ना देने की वजह से घर हस्बैंड का छोड़ के जाती है, किसी मजबूरी की वजह से इस तरह बिहेव उसका खराब हो जाता है या इस कदर तंग कर देता है, वो मजबूर हो जाती है हस्बैंड का घर छोड़ने के और वो अपने बेके चले गए। अब उस सूरत में पीछे से एक तो वो उसके अपने हकूक जो है हस्बैंड अपने लेबिलिटी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करा और ऊपर से उसने हक जोजियत का केस फाइल कर दिया। अब किस तरीके से बीवी उस केस को डिसमिस करा सकती है? उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस जो उसका कंजुगल राइट्स का केस था उसके काउंटर में वो खुला का केस फाइल कर, अपने जवाब में खुला डिमांड कर लेती है, कहती है कि मैं इस काउंटर क्लेम करना चाहती हूं कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि इसने अपनी लेबिलिटी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, मुझे हक बैर नहीं दिया, मेरे साथ इतने जुल्म और ज्यादती की कि मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, मजबूरन खुशी से नहीं, मजबूरन मुझे घर छोड़ना पड़ा और उल्टा अभी ये क्लेम कर रहा है हक के जोजियत, चुनाचे मैं काउंटर क्लेम कर रही हूं। उसी हस्बैंड के कंजुगल राइट्स के केस में वाइफ का यह राइट बनता है कि काउंटर क्लेम करते हुए खुला क्लेम करते, केस हस्बैंड का क्लेम वाइफ का रही है खुला, ऑफकोर्स वो कर सकती है। तो इस सूरत में हस्बैंड का केस हक के जोजियत का जब प्री ट्रायल पे आएगा, कोर्ट प्री ट्रायल करेगी, तो प्री ट्रायल की स्टेज पर ही हस्बैंड का केस डिसमिस हो जाएगा और बीवी का काउंटर क्लेम खुला कोर्ट ग्रांट कर देगी, उसको खुला दे देगी। इस तरीके से बीवी जो है हस्बैंड का कंजुगल राइट्स का केस जो है वो डिसमिस करा सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।